हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है, मैं साड़ी से बनी ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं फिर से आपके साथ एक सिल्क की साड़ी का रीयूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हो, ये भी मैंने साड़ी से ही बनाई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो साड़ी है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। जो स्टार्टिंग पोर्शन है साड़ी का, ये इस तरह का प्लेन है। उससे आगे इस तरह से वीविंग का काम है, गोल्डन मतलब कॉपर जैसे कलर में ये पूरा काम है इसमें। और दोनों तरफ ये बॉर्डर्स हैं। ये वाला जो बॉर्डर है ऊपर की तरफ, इसकी विड्थ कम है, और नीचे की जो बॉर्डर है उसमें विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है। लास्ट में ये इसका पल्लू है। 4 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने एज अ लाइनिंग। तो देखते हैं किस तरह की ये ड्रेस बनती है। सबसे पहले तो ये जो प्लेन वाला पार्ट है ना साड़ी का, इसको हम कट कर लेंगे। ये फैब्रिक आप ड्रेस में डिजाइनिंग करने के काम ला सकते हो, कोई और ड्रेस है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, या फिर एक ब्लाउज जितना पीस है ये, तो आप ब्लाउज अगर आपको चाहिए तो ब्लाउज के लिए भी ये फैब्रिक आप रख सकते हो। इसमें लाइनिंग लगा के आप अपने लिए ब्लाउज बना लें। ये ड्रेस हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो बॉटम वाला पार्ट है वो 11 इंचेस का होगा, सेंटर वाला 28 इंचेस का, और अपर पार्ट जो है वो 15 इंचेस का होगा। एंड वाला जो पीस है वो किस तरह से ऐड करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब साड़ी को भी मैं इसी तरह से डिवाइड कर लूंगी। सबसे पहले तो हमें फ्रिल लेनी है, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये मैं फ्रिल के लिए ले लूंगी। तो 11 इंचेस से थोड़ी सी ये ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन रख के इस बॉर्डर को पूरे को कट कर लूंगी। तो ये हमारा जो है ना थर्ड पोर्शन जो एंड वाला है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ। फ्रिल को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो, तो फिर आपका जो बीच वाला पोर्शन है वो भी आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप फ्रिल वाला पोर्शन ज्यादा करना चाहते हो, तो फिर जो आपका सेंटर वाला पोर्शन है ना वो आप कम कर सकते हो। तो मतलब जो नीचे वाले दोनों पोर्शन है उनमें से आप किसी को भी कम ज्यादा कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो मैं बॉर्डर की ही फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने 11 इंचेस रखा है। स्टिचिंग के लिए मार्जिन रख के मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये मेरे पास लाइनिंग बची हुई थी, तो पहले मैं इसी का यूज कर रही हूँ। ये लेंथ वाइज मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़ा इस तरह से। अब इसकी लेंथ लेनी है हमने 16 इंचेस। इस साइड से मैं 16 इंचेस इस तरफ को लूंगी, ताकि ये वाला जो कपड़ा है ये जुड़ा हुआ हमारे काम आ जाएगा। तो 16 इंचेस पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। बस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो ये मेरा आ रहा है 11 इंचेस। अब यहाँ पे हमने इसे फोल्ड लगा लेना है ऐसे। जितनी भी आपकी बस्ट है उसका आपने 4th पार्ट निकाल लेना पहले, और उसके बाद फिर उसमें 1 इंच ऐड करके तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना। 16 इंचेस लेंथ ले लेंगे। शोल्डर लाइन है 14 इंचेस, 14 का हाफ ले लेंगे 7 इंचेस। नीचे की तरफ को 7.5 इंच लेना है, मतलब जितना भी आपने यहाँ लिया उससे 1/2 इंच बढ़ा के नीचे की तरफ को रख लेंगे। इस तरफ से भी 7 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और इसे मिला देंगे इस तरह से। हाफ इंच का यहाँ पे डाउन देना होता है शोल्डर पे। 3 इंच ले लेंगे नेक की विड्थ, इसे इस तरह से मिलाना है। इस पॉइंट पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इस तरह से। आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ से 11 इंचेस पे बस्ट की मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे होगी कमर की मार्किंग। कमर है यहाँ पे 36 इंचेस, तो 36 का 4th पार्ट निकालेंगे, होता है 9। मैं यहाँ पे 1/2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। और अगर आपको टक्स लगाने हैं तो आप टक्स भी लगा सकते हो। तो 1 इंच टक्स के लिए चाहिए होगा और 1 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए चाहिए होगा। इस तरफ से 4.5 इंचेस पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ 4.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच इस तरफ को ले लेंगे, 1/2 इंच इस तरफ को लेंगे, और इन पॉइंट्स को ऐसे मिला लेंगे। इससे फिटिंग काफी अच्छी आ जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है। फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे इस तरह से। ये 11 इंचेस पे जो मार्किंग की थी, इसके ऊपर करेंगे बस्ट की मार्किंग। तो जितनी भी आपकी बस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल लें। लूजिंग चाहिए आपको तो लूजिंग भी दे सकते हो। यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। 4th पार्ट निकाल के मार्किंग कर ली। उसके बाद जितना आपने यहाँ लिया उससे 1/2 इंच यहाँ पे ले लें।
बस अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। ये हो गया मार्जिन अप्रॉक्स 1 इंच के आसपास। यहाँ पे इस तरह से शेप दे दें, यहाँ से जो आपके कॉर्नर हैं वो नीचे की तरफ को नहीं जाएंगे, तो यहाँ से बहुत अच्छी शेप आ जाती है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों की साथ में ही कटिंग कर लेंगे। अब पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट साइड कर देंगे और फ्रंट पार्ट में जो ये हमने फ्रंट आर्मोर की शेप दी है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये जो मार्किंग की है ना, इसको इस तरह से अंदर की तरफ को टैप करेंगे, इस तरफ भी इसके जो है ना मार्क आ जाएंगे। अब मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे, यहाँ से फोल्ड करके इसे, ये पल्लू वाला पोर्शन है तो इससे मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ। इस तरह से इसे फोल्ड करके ऐसे ये मैं कटिंग करने वाली हूँ। बस इतना ही कपड़ा हमारे पास है, नेक वगैरह में अगर यूज करना है, डिजाइनिंग करनी है या फिर स्लीव्स बनानी है तो इसी में से होगा। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे बनाएंगे घेर। तो देखिए ये हमने फोल्ड कर लेना है, एक फोल्ड लगाया, ये हो गए 2 फोल्ड। बंद कली की ये कुर्ती हम बनाएंगे, नीचे की तरफ से कलियां जुड़ी रहेंगी, ऊपर की तरफ से कट होंगी। इसे बिल्कुल एक बराबर करके रख लेंगे यहाँ पे, ये हो गया 4 लेयर में। इस फैब्रिक के 3 पार्ट कर लेंगे, ये है हमारा 28 इंचेस। 28 इंचेस के हम यहाँ पे 3 पार्ट कर लेंगे इसके। अब यहां से सिर्फ दोबारा फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और अब इस तरफ से ऐसे कर 12 लेयर्स होनी चाहिए हमारी टोटल, अगर हमने 12 कलियां कट करनी है तो 6 फ्रंट में 6 बैक में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है टोटल। तो अब ये हमारी 12 कलियां इसमें से निकल जाएंगी। अब कलियों की जो विड्थ है वो कैसे रखनी है, नीचे की तरफ तो ये विड्थ पूरी कंप्लीट आ जाएगी जैसे है, लेकिन ऊपर से हमें यहाँ से कलियां भी जो बीच जो है कट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए ले लेंगे ये अपर पार्ट, इसमें आप यहाँ से देखिए खोल के देख सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे हमने ये घेर जोड़ना है तो इतनी ही चौड़ाई हमें चाहिए होगी। यहाँ से इस तरह से आप नाप लें, ये 24 आ रहा है, तो अब 2 इंच जो है इसमें से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने टक्स भी देने हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा है ना, तो ये 2 इंच यहाँ कम हो जाएगा, तो 22 इंच जो है हमारा ये टोटल बचेगा। तो 22 इंच ही हमें यहाँ से घेर निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपकी कमर आई उसको आपने डिवाइड कर देना है, जितनी भी आपने कलियां रखनी है ये एक साइड का निकलेगा। तो 22 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 3.6। अब 1/2 इंच रख लेंगे इसमें मार्जिन, दोनों तरफ हमने सिलाई भी लगानी है। अब इसे रखना कैसे है, सबसे पहले तो ये जो टोटल है इसका हमने हाफ कर लेना है। हाफ आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिया और इस तरह से टेप को रखा, ये हो गया इसका पूरा हाफ, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा ऐसे। अब हमने कली जो है ना बीचों बीच रखनी है, यहाँ पे कितनी आई थी हमारी टोटल 4 इंच है ना, कली बनी थी हमारी 3.6 इंचेस और उसमें हमने 1/2 इंच ऐड कर लिया, तो 4 इंच मैं अप्रोक्स ले लूंगी तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो 2 इंच इस तरफ को लेना है और 2 इंच ही इस तरफ को लेना है। तो ये आ गई हमारी कली की विड्थ। अब नीचे की तरफ जो है ना चौड़ाई पूरी की पूरी लेनी है, इस पॉइंट को हमने ये बॉर्डर तक मिला लेना है ऐसे, इस तरह से इस तरफ भी मिला लेंगे।
दोनों जो है ना बैक और फ्रंट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से इन्हें अटैच कर लेना है, जैसे ये कट की हुई है, जहां पे ये कट है इससे थोड़ा सा नीचे जाके सिलाई को क्लोज कर देना है। इसी तरह से सारी कलियां जुड़ जाएंगी। अब करनी है लाइनिंग की कटिंग। तो 2 मीटर फैब्रिक बहुत है, आराम से हो जाएगा इसका नीचे वाला घेर जो है। अब ये देखिए यहाँ ऐसे बिछा देंगे, इसको डबल किया हुआ है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। फिर से हमने यही कमर देखनी है, तो ये हमारी 22 इंचेस है। 22 का हम हाफ कर लेंगे, हाफ करके उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। 22 का हाफ कर लेंगे उसमें 2 इंच ऐड करके ले लेंगे। तो इस तरह से आपने ले लेना है, ये 11 इंचेस आ गया और 2 इंच इसमें ऐड कर ले मार्जिन के लिए, दोनों तरफ से ये मार्जिन आ जाएगा। अब लेंथ देखिए इसकी कैसे रखनी है। 53 टोटल लेंथ है हमारी ड्रेस की, उसमें से 50 इंचेस जो है हमारा अपर पार्ट चला जाएगा, तो उसको लेस कर देंगे, बचा 38 इंचेस। तो 38 इंचेस जो है हमने इसकी लेंथ रखनी है। अलेवन इंचेस ले लिया, 2 इंचेस में ऐड कर लिया। अब हमने ऑपोजिट साइड में वो जो हमने लाइन लगाई ना वहां पे 11 इंच लेना है, ऐसे 11 इंच लेना है और 2 इंचेस में ऐड कर लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट आया, इस पॉइंट के साथ वो सेकंड वाला पॉइंट मिला लेंगे। लाइनिंग कट करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही कम कपड़े में इस तरह से हम लाइनिंग कट कर सकते हैं। लेंथ आई थी हमारी 38 इंचेस। अब ये जो स्ट्रेट वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे टेप को और 38 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे, इस तरह से 38 इंचेस पे मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये दो सेंटर से ऐसे जोड़ने हैं और ये दो सेंटर से ऐसे जोड़ लेने हैं। इसे अटैच करने के बाद ये इस तरह से अम्ब्रेला शेप में बहुत ही अच्छा सा घेर रेडी हो जाएगा। बैक साइड में ये टक्स मैंने लगा लिए, इस तरह से ऐसे ही फ्रंट में भी लगा लेंगे। ये देखिए ये है ना, ऐसे ऐसे पकड़ के इस तरह से रखना है। टक्स लगाने के बाद इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया, पिनअप कर दिया है। और एक ये रफ फैब्रिक है मेरे पास, ये हम स्ट्रिप कट कर लेंगे नेक के लिए। इस तरह से रखा, साथ के साथ ये दोनों चीजें कट हो जाएंगी। अब ये स्ट्रिप इसमें ऐड कर लेंगे ऐसे। फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए भी मैंने ऐसे ही से फोल्ड करके रख लिया है। विड्थ ले लेंगे इसकी 3 इंच, लेंथ लूंगी मैं यहाँ से 7 इंचेस। इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ हल्की सी मैं राउंड शेप दे रही हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो लेस है ना मेरे पास, ये मैं यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ। तो ये देखिए ऐसे इसे मैं अटैच कर लूंगी ऐसे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और ये नीचे तक इसी तरह से ये लेस मैं अटैच कर लूंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ से ये मैंने पिनअप कर लिया है दोनों फैब्रिक को। अब इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे, तो इस तरह की लेस मैंने ली है। आपके पास किसी और तरह की है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ से मैं इस तरह से रख के इसे स्टिच कर लूंगी। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए ये पाइपिंग वाला फुट यूज किया है यहाँ पे। यहाँ हल्का सा कॉर्नर है तो यहाँ लगा लेंगे हम कट।
यहाँ पे मैंने स्ट्रेट स्ट्रिप कट की है कॉटन की, जो भी आपके पास रफ कपड़ा है उससे ले लें। एक छोटा सा फोल्ड लगा लिया मैंने अंदर की तरफ को, इस तरह से अब इसके ऊपर हमने इसे स्टिच कर लेना है ऐसे। इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करके यहाँ पे आप हैंड स्टिच कर लें ऐसे फोल्ड लगा के, या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। अब इस वाले में आपका हाथ उल्टा आ जाएगा, तो आपने नीचे की तरफ से, बॉटम की तरफ से लगाना स्टार्ट करना है, इसे ऊपर की तरफ को ले जाना है। ये दोनों तरफ मैंने लेस लगा ली है और इस तरफ से ये हैंड स्टिच कर लिया है, इस तरफ भी हैंड स्टिच कर लिया। 7 इंचेस में नेक रख रही हूँ, तो 7 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे, इस तरफ भी 7 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। एक स्ट्रिप लेके इसको हमने यहाँ से स्टिच करना है, इस तरफ से स्टिच करना है, फिर हम इसे पलट के इसके नीचे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये स्ट्रिप मैंने तैयार कर लिया है और अब इसको आयरन कर लिया अच्छे से। इसी तरह से दूसरा पीस भी रखना है और इस तरफ ये स्टिच कर देना। इस तरह से ये नेकलाइन रेडी हो गई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने का तरीका आपने देखा बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर आप थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग जानते हैं तो बड़े आराम से ये नेकलाइन आप बना सकते हो। अगर आप कुर्ती भी बना रहे हो तो फ्रंट स्लिट वाली कुर्ती भी सेम इसी तरह से बन जाएगी, बहुत अच्छा सा इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। अभी इसको हम अटैच कर देंगे बैक वाले पार्ट से, शोल्डर लाइन से इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब बैक पार्ट में भी ये स्ट्रिप मैंने ऐड कर लिया है, इसको भी इस तरह से फोल्ड करके आप आयरन कर लें, उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे। लेकिन पहले इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब ये स्ट्रिप बाहर की तरफ को निकाल दी है, दोनों तरफ के शोल्डर्स आपस में स्टिच कर लेंगे। अब ये जो स्ट्रिप है इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ ऐसे सिलाई लगा लें, या फिर आप हैंड स्टिच कर लें। स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे ये मैंने ज्वाइंट लगा लिए हैं, ये बॉर्डर इस कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। बहुत कम फैब्रिक था स्लीव्स के लिए। स्लीव्स की लेंथ है 10.5 इंचेस। इस तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से 1/2 इंच कम करके हमने यहाँ से ले लेना है। बहुत ही सिंपल सा ये मेथड है, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स आपकी आएंगी। आर्म होल की शेप आप इस तरह से दे सकते हो। स्लीव्स की बॉटम है 5.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। अगर आप स्टिचिंग करते हो ना तो ये स्केल जरूर रखें, ये 2-3 तरह के स्केल हैं, इनसे काम जो है ना काफी इजी हो जाता है और परफेक्टली आपकी शेप भी आ जाती है। जॉइंट्स बैक साइड में रखेंगे और इस तरफ रखेंगे फ्रंट आर्म होल की शेप। यहाँ पे बस मैं आइडिया से ही ये शेप मैंने दे दी है। ऐसे ही लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं, इसमें मैंने लेस भी अटैच कर लिया सेम ही। ये हो गया अपर पार्ट। कलियां भी मैंने अटैच कर ली है, देखिए इस तरह से ये कलियां आएंगी। नीचे की तरफ से हम कलियां जोड़ना जोड़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे पकड़ के ना, ऐसे इस तरह से पकड़ के ये वाला जो पोर्शन है ऐसे, बस वहीं से हमने ये स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 इस तरफ को लेके जाएंगे और बस नीचे तक जो है ना इसे स्टिच कर लेंगे। यह है बॉटम वाली लाइनिंग जो घेर में हमने लगानी है, तो इसको भी सेंटर से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ड्रेस का जो सेकंड पार्ट है उसको भी स्टिच कर लेंगे।
ये है लाइनिंग और इसके ऊपर अटैच कर देंगे ये कलियों वाला पार्ट, और ये जो कलियां ऊपर नीचे हैं इनको भी कट कर लेंगे यहाँ पे, वो भी हल्का हल्का यहाँ से कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है इसको बाद में हल्का हल्का इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेंगे ऐसे। पहले इसे स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर आपने ये कटिंग करनी है इस तरह से, ये शेप दे देंगे हल्की सी, इस तरफ से भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो इन दोनों पार्ट्स को ऐसे स्टिच करके फिर इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेना है ऐसे, या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से भी स्टिच कर सकते हो इनको सेंटर से मिला के इस तरह, और इसका भी ये सेंटर लेंगे ऐसे, इन तीनों पीसेस को आपस में स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ड्रेस का ये सेंटर वाला जो पार्ट है वो भी मैंने स्टिच कर दिया है, अब ये साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे यहां तक, ये चारों जो पीस है इनको इकट्ठे स्टिच कर लेना है इस तरह से यहाँ तक, उसके बाद इसको अलग से स्टिच करना है, इसको अलग से स्टिच करना है। यहाँ तक मैंने इकट्ठे सिलाई लगा ली है साइड की फिटिंग को। अब ये जो लाइनिंग है इसको साइड कर देंगे नीचे की तरफ से भी, और ये जो मेन फैब्रिक है इसको स्टिच करेंगे। अब मेन फैब्रिक को अब अंदर करके लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ये प्लीट्स बन रहे हैं। बस इसी तरह से पूरी जो फ्रिल है ना ऐसे बना लेंगे। इस तरफ से मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को क्लोज कर दिया नीचे तक। दूसरी साइड से एक ये लाइनिंग वाला जो पीस है वो ओपन रखा है, और ये लाइनिंग थोड़ी ज़्यादा है और मेन फैब्रिक कम है। तो अब यहाँ पे हमने लगानी है फ्रिल, ये जो हमने फ्रिल रेडी की है ये मैंने ऐसे रख के इस तरह से देख ली, मुझे 53 इंचिस लेंथ चाहिए अपनी ड्रेस की फुल, तो इतनी यहाँ तक ये जो है ना ड्रेस इस तरह से आ रही है। तो ये फ्रिल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इस लाइनिंग में ये फ्रिल मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ इस तरह से लगा के देख लेंगे तो 53 इंचिस मेरा जो है ना ये कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से देखेंगे तो 28 इंचिस आ रहा है, तो 28 इंचिस पे मैंने पूरे घेर में यहाँ पे इस तरह से ये मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर, इस मार्किंग के ऊपर ये फ्रिल मैं इस तरह से ऐड कर लूंगी ये ऐसे। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमने ऐसे ऊपर की तरफ को रखनी है, और ये फ्रिल जो है इस तरह से अटैच कर लेंगे जहाँ पे ये मार्किंग है उसके ऊपर अटैच कर लेंगे, और जब इसे इस तरह से पलटेंगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ को आ जाएगी। तो इस तरह से इसे मैं अटैच कर लूंगी, ये पूरे में मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर ये फ्रिल ऐड कर लेंगे, ड्रेस ये रेडी हो गई है। अभी इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, और ये रहा इसका नीचे की तरफ से घेर। बॉटम में ये घेर जो है पूरा प्लाजो और कुर्ती की तरह लग रहा है, तो इस तरह से ये कवर हो जाएगा, इतना यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपके पास कोई है भी साड़ी है या रेड कलर में साड़ी है तो इस तरह की ड्रेस आप बना सकते हो अपने करवा चौथ के लिए, फेस्टिव सीजन आने वाला है तो उसके लिए आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की ड्रेसेस आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।